तो हेलो दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हफीज़ और आप देख रहे हैं गपशप विद हफीज़। तो दोस्तों, राम गोपाल वर्मा की फिल्म डेंजरस, जिसका टाइटल लड़की भी रखा गया है, इस फिल्म को लेकर उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर बाहर निकल कर आई है जो इस फिल्म का रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं। और वो गुड न्यूज़ ये है कि ये फिल्म की रिलीज डेट अब एकदम कन्फर्म्ड हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, डेंजरस मूवी जो 8 अप्रैल को सिनेमाज में लगने वाली थी, इसकी रिलीज डेट पोस्टपोन्ड हो गई थी। और इसकी रिलीज डेट पोस्टपोन्ड हुई थी फिल्म रिलीज के 2 दिन ही पहले, क्योंकि दोस्तों जिस थीम पर ये फिल्म बनी है वो फिलहाल अभी इंडियन ऑडियंस के लिए सूटेबल नहीं है। तो थिएटर्स वालों ने इस फिल्म को लगाने के लिए साफ इनकार कर दिया और इसके चलते राम गोपाल वर्मा को इसकी रिलीज डेट पोस्टपोन करनी पड़ी। लेकिन अल्टीमेटली दोस्तों, बहुत जद्दोजहद के बाद इस फिल्म की रिलीज डेट अब फाइनली कन्फर्म्ड हो चुकी है। और दोस्तों, डेंजरस मूवी हमें 3 लैंग्वेजेस में, हिंदी, तमिल, तेलुगु में थिएटर्स में देखने को मिलेगी 6 मई को। जी हाँ दोस्तों, 6 मई को इंडियाज फर्स्ट लेस्बियन क्राइम थ्रिलर मूवी डेंजरस रिलीज होगी थिएटर्स में। और दोस्तों, इसकी नई रिलीज डेट अनाउंस होना उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है जो इस मूवी का इंतज़ार बहुत ही बेसब्री से कर रहे थे, स्पेशल मेरे मुठ्ठल भाई। और इसके अलावा आपको डेंजरस मूवी में देखने को मिलेंगी अप्सरा रानी एंड नैना गांगुली, जो आपस में प्रेम करती हैं। और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं राम गोपाल वर्मा। तो दोस्तों, जो लोग इस मूवी का रिलीज़ होने का इंतज़ार काफ़ी बेसब्री से कर रहे थे, उनका सब्र अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है 6 मई को थिएटर्स में। फिलहाल दोस्तों, ये थी एक छोटी सी अपडेट डेंजरस मूवी को लेकर। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं किसी वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।